सूरत शहर में एक हृदयद्रावक किस्सो सामे आव्यो छे। ऊनपाटिया विस्तार की एक महिला पतिना मृत्यु बाद वतन लई जवा पैसा न होवाथी 17 कलाक सुधी मृतदेह पासे बेसीने मददनी पुकारना फोन डायल करती रही। पत्नी पतिना मृतदेह ने सवारे सिविल लई आवता तबीबो पीड़ित महिला की व्यथा सांभळी चौंकी गया हता। जो कि मृत्युनु कोई कारण न होवाथी तबीबोए पोस्टमोर्टम की दिशा में कार्यवाही हाथ धरी पुलिस ने जाण करी हती। अत्रे उल्लेखनीय छे कि कोरोना काल में अनेक परिवारोए संबंधीओने गुमाव्या छे, आ साथे लोकोनी आर्थिक स्थिति पण कठड़ी गई छे। मनीषा ठाकोरे जणाव्यु हतु के तेओ ऊनपाटियाना महबूबनगर में रहे छे। 13 वर्षना लग्न जीवन में 2 संतानी माता छे। मूळ झांसीना रहवासी छे। रणजीत संचार खाता में काम करतो हतो अने दारू पीवानो आदि हतो। गई काल मंगलवारे दारू पीधा बाद बपोरना भोजन लई सूई गयो हतो। તેણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે 1 કલાક બાદ તેના મિત્રએ રણજીતને જગાડવાની કોશિશ કર્યા બાદ પણ તે જાગ્યો ન હતો, જેથી તાત્કાલિક એમ્બ્યુલન્સને બોલાવતા મૃત્યુ પામ્યો હોવાની ખબર પડી હતી। આ બાબતે તાત્કાલિક વતન સગા સંબંધીઓને ફોન કરી જાણ કરી હતી। જો કે બધાએ મૃતદેહ વતન ઝાંસી લઈ આવવા સલાહ આપી હતી, જેને લઈ મોડી સાંજ થઈ જતાં આખો દિવસ પતિના મૃતદેહ પાસે બેસી રહી હતી। તેણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સવાર પડતા જ પડોશીઓએ 108ને જાણ કરતા રણજીતને 108ની મદદથી સિવિલ લઈ આવ્યા હતા, જ્યાં તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કરી પોસ્ટમોર્ટમ કરવું પડશે એમ કહીને પોલીસને જાણ કરી છે। સાહેબ, ઝાંસી લઈ જવા માટે ઘણા રૂપિયા જોઈએ અને હું આર્થિક રીતે લાચાર છું। મોંઘવારીમાં પતિની હયાતીમાં ઘર અને બાળકોનું ગુજરાન જેમ તેમ ચાલતું હતું, હવે તેમની ગેરહાજરીમાં આટલા રૂપિયા ક્યાંથી લાવું? તો સવારે મેં દારૂ પી રહે થે ને, તો પીધે પીધે સાંજે 3 વાગે વહી ગયા ને ખાય 12 વાગે ખાય ફિર 3 વાગે ખાય। ઉસકે બાદ મેં જો બાત મોરી હોતા હૈ ના ઉસમે ગિર ભી ગયે, તો વો છોટે લડકે કો લેકે લેટ ગયે, लेट गए सो गए। फिर उसके बाद मैं 6:30 बजे आया, हमारे पास बोलता है समोसा खाने का है, तो हमने उनको जगाया पैसे के लिए, तो उठे ही नहीं, बोले ही नहीं। तब वो दूसरे के रूम पे थे तो उसको भेजा हमने कि जो है चाचा को बुला के लाओ, तो ये गए तो लेके आया, तो वो भी देखे, वो भी जगाए, सब लोग जगाए तो नहीं बोले कुछ। उसके बाद फिर एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, एम्बुलेंस गई तो उनने भी देखा वो करके, तो बोले नहीं ख़त्म हो गए नहीं है। फिर उसके बाद में जो है फिर सुबह में फिर जो है इनके भाई लोगों को फ़ोन किया, रात में ही किया, वो गाँव गाड़ी ले जाने के लिए, तो वही जो है 11 बज गया उसी में। बोले रात का टाइम है, पैसे सब कैसे अब लगा पाएंगे, क्या कर पाएंगे, तो बोले सुबह में वहीं कर दो सब उनका, उन लोगों के घर वाले बोले कि सुबह में उनका वहीं पर कर दो सब। आज ये क्यों आना पड़ा? आज वो यहीं जलाने का है ना उनको, इसलिए पोस्टमार्टम के लिए जो है बोले थे, पोस्टमार्टम के लिए फिर वहाँ जलाएंगे ना तो नहीं वो करेंगे ना। गांव ले जाने के बाद आपके पास पैसा था? नहीं,